हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बीएड सेमेस्टर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। ये 2015-17 सेशन का क्वेश्चन है और इसमें केवल पेपर 7 नहीं है, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, तो उसका मैं अलग से वीडियो को अपलोड कर दूंगा। बाकी इसमें सारे पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड के सभी सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनके नोट्स अपलोड होते हैं इस चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ग्रुप बी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है डिस्कस विनोबा भावेज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, क्वेश्चन 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड ओपिनियन, क्वेश्चन 4 है डिस्कस नेशनल प्रायोरिटीज एज अ डिटरमिनेंट ऑफ करिकुलम, क्वेश्चन 5 है इन करिकुलम डेवलपमेंट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ मेजर कंसिडरेंस एक्सप्लेन। ग्रुप सी में है क्वेश्चन 6 है व्हाट इज एजुकेशन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी इन डिटेल, क्वेश्चन 7 है व्हाट इज करिकुलम स्टेट द नेचर ऑफ करिकुलम डिस्कस द नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल, क्वेश्चन 8 है डिस्कस हाउ सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एक्ट एज डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, क्वेश्चन 9 है व्हाट इज नॉलेज व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन। नेक्स्ट जो पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, यह है पेपर 5। ग्रुप बी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है डिफाइन लर्निंग फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन 3 है राइट डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, क्वेश्चन 4 है गिव द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू लाइट अपॉन द यूटिलिटीज ऑफ इनसाइट थ्योरी, क्वेश्चन 6 है डिफाइन लर्निंग, क्वेश्चन 7 है व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, क्वेश्चन 8 है व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, क्वेश्चन 9 है डिस्क्राइब द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रुप डायनामिक। ग्रुप सी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्वेश्चन 11 है एक्सप्लेन इन डिटेल द थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, क्वेश्चन 12 है डिफाइन मोटिवेशन व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग डिस्क्राइब एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन मेजरिंग पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 14 है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्वेश्चन 15 है राइट मैस्लोज थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, क्वेश्चन 16 है डिस्कस सम ऑफ द रीजनेबल टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन मोटिवेटिंग चिल्ड्रन इन क्लासरूम, और क्वेश्चन 17 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज टू डेवलप मेमोरी। नेक्स्ट जो पेपर है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 8 है, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ग्रुप बी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, उसमें से फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, 2 है यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, 3 है रेटिंग स्केल टाइप यूज एंड इमिटेशन,
Fourth, a difficulty level of test item and its calculation. 5, a use of standard deviation and quartile deviation in classroom situation. 6, a summative evaluation and its objectives. 7, a projective technique use and importance. 8, a reliability and its measurement. ग्रुप सी में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी विद सुटेबल एग्जांपल, क्वेश्चन 4 है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुड लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड असेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक विद एग्जांपल्स, क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE, क्वेश्चन 7 है डिफाइन इवेल्युएशन एंड डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इम्पॉर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्वेश्चन 8 है व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये थे पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 8 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो सेशंस के बच गए हैं वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ।